सीधे सीधे सरकार की नाकामी है ये। सोनिया गांधी की ओर से दो टूक कहा गया है कि अगर मौजूदा वक्त में इस बेबसी की ओर हम बढ़ चले हैं तो इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। क्या है इस पर आपकी टिप्पणी? आप सबको मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि कोरोना का वैक्सीन निकल गया है, कांग्रेस के लिए कोई वैक्सीन कभी ना बना है ना बन पाएगा। इन्हें अभी भी राजनीति सूझ रही है। जब हम इस युद्ध में सबका साथ चाह रहे हैं, इस समय इस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी एक अलग रुख अपना रही है, विरोध के नाम पर विरोध कर रही है। और मैं आप सबको कह दूं कि हम केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बलिष्ठ नेतृत्व में हर प्रकार के सुझाव, विरोध और समर्थन का स्वागत करती है। अगर राहुल गांधी जी ने कुछ सुझाव दिए हैं तो हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि स्थिति गंभीर है, हम मानते हैं, संवेदनशील सरकार है, सारे राज्य सरकारों को साथ लेकर किसी भी तरह का पात्रांतर नीति का अवलंबन न करते हुए सारे स्वयंसेवी संस्थाओं को साथ लेकर, जो विरोधी सरकार है वो केंद्र के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा रही है, अपराधी बन रही है, सहयोग नहीं कर रही, समस्या के समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। हाँ जी, हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, उन्होंने तो जो फोन मिलाया था उस पर उन्होंने अपनी भड़ास भी निकाली है ट्विटर पर। देखिए, बहुत बुरा लगा उनके वक्तव्य को सुनकर जानकर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ मुख्यमंत्रियों को फोन किया था ये जानने के लिए कि वहां स्थिति कैसी है, और सारे मुख्यमंत्रियों ने अपनी संतुष्टि जाहिर की। प्रधानमंत्री जी ने सबसे बातचीत की, जानना चाहते थे स्थिति क्या है। झारखंड की स्थिति बहुत खराब है, इसलिए उन्होंने सोरेन साहब को फोन किया, और सोरेन साहब ने जिस तरह का उत्तर दिया है, मुझे लगता है यह शोभा नहीं देता है, यह उनके 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 व्यवहार को दर्शाता है, जो व्यवहार नहीं होना चाहिए ऐसा उन्होंने व्यवहार किया है। चले ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, और सम्मान के साथ उनके विषय में और उनकी बातचीत के संबंध में कहना चाहिए। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा से कोई है नहीं, सुप्रिया श्रीनेत के ऊपर यानी कि कांग्रेस पार्टी को लेकर जो बातें आपकी ओर से कही गई हैं उस पर मैं उनका जवाब ले लेती हूं। सुप्रिया, सीधे सीधे बीजेपी आरोप लगा रही है कि दरअसल आपदा में अपने लिए राजनीतिक अवसर तलाशने की कोशिश में है कांग्रेस पार्टी, इस तरह से बातें की जा रही है कांग्रेस के एक एक नेताओं की ओर से, क्या है जवाब इस पर? मुझे मुक्तापूर्ण बातों का जवाब इसलिए नहीं देना है क्योंकि आज लड़ाई कोरोना से है, और यहां पर बात करी जा रही है कांग्रेस के वैक्सीन की। किस दम और किस अहंकार में रहकर बात करी जा रही है? क्या कह रहे हैं, अच्छे सुझावों का स्वागत है। एक बहुत सकारात्मक खत तो लिखा था पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने, राहुल गांधी जी ने एक बहुत अच्छा खत लिखा है, पता नहीं सरकार में कितने लोगों को वो समझ में आता है। मैं दो चार चीजें आपको बताना चाहती हूँ, इस देश में हो क्या रहा है। छह हफ्ते पहले सरकार के वैज्ञानिकों ने, सरकार के रिसर्चर्स ने आगाह किया था कि डबल म्यूटेशन होने की वजह से वायरस का संक्रमण जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। सरकार ने उसको नहीं स्वीकारा, कल स्वास्थ्य मंत्रालय को स्वीकारना पड़ा कि हाँ, डबल म्यूटेशन हो गया है वायरस का। पहली चीज, 26 अप्रैल को विदेशों से सामान आना शुरू हो गया था, लेकिन आपको यह जान के हतप्रभ होगा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, नियमावली कि कैसे उसका आवंटन किया जाएगा, कैसे समन्वय बैठेगा, वो 2 मई को तैयार हुआ। और आपको पता है 26 अप्रैल से 2 मई 7 दिन में हिंदुस्तान में 23,000 मौतें हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने कल कहा है कि एक थर्ड वेव आने वाली है, उसकी तैयारी कर। सरकार की एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमिटी ने, एक्सपर्ट कमिटी ने, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटी ऑन हेल्थ ने सेकेंड वेव के लिए आगाह किया था, उसको नजरअंदाज क्यों किया गया, ये मैं पूछना चाहती हूँ। जहां तक वैक्सीन की बात है, किस बात पर आप सीना ठोक कर बात कर रहे हैं? इस देश में अगर एक वैक्सीन लग जाती लोगों को तो लोग बच जाते, लेकिन आपने प्राथमिकता दी तालियां बटोरने के, आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट किया, आपकी क्या वैक्सीन की स्ट्रैटेजी थी? अब आप कहेंगे लोगों ने भ्रम फैलाया, तो क्या आपकी ये स्ट्रैटेजी थी कि भ्रम फैल जाएगा, किसी को वैक्सीन लगेगी नहीं? आपको जानकर हतप्रभ होगा कि आज महज 11 लाख लोगों को 18 से 44 वर्ष की उम्र में वैक्सीन लगी है, ये सरकार का आंकड़ा है, और
वर्ष से ऊपर करीब 12.5 करोड़ लोगों को लगी है एक डोज, डबल डोज 3 करोड़ से नीचे है और उसके बिना कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो सरकार की विफलताओं पर उनके नजरअंदाज करने में, उनके दम और अहंकार पर सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले एक बात 30 सेकंड में कहकर जरूर खत्म करूंगी कि मुझे दुख है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी जैसे डॉक्टर आज इस देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो मिसिंग इन एक्शन आदमी है, वो कहीं पर भी नजर नहीं आते जब ऑक्सीजन के बगैर लोग बेदम हो रहे हैं। उनका काम है भाड़े की भीड़ देखकर तालियां बजाना ट्विटर पर और आज वक्तव्य देना एक चुने हुए मुख्यमंत्री पर। अगर लोगों को दिक्कत है तो प्रधानमंत्री जी से ही कही जाएगी।